बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। पिछले तकरीबन अब 24 घंटे होने को आ रहे हैं, पूरी कौम देख रही है, बल्कि पूरी कौम नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से बदतरीन फस्ताइयत का मुजाहरा किया जा रहा है। बेगुनाह निहत्ते लोगों के ऊपर टियर गैस शेलिंग की जा रही है, लाठी चार्ज किया जा रहा है, वाटर कैनन से हमले किए जा रहे हैं, और ये सब हो क्यों रहा है उसको उस पर मैं अभी आता हूँ। लेकिन पहले सिर्फ ये बता दूँ कि जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो है वहाँ पे भी हियरिंग जारी है। चीफ जस्टिस ने जो है जो ऑब्जेक्शंस लगे थे वो ऑब्जेक्शंस उसमें से रिमूव कर दिए, कोई चीज़ रह गई है टेक्निकल से वो अभी रिमूव हो जाएगी। उन्होंने कहा मैं बैठा हुआ हूँ, मैं ये फैसला करके जाऊँगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी मामला जो है वो ज़ेर समाअत है। लाहौर हाईकोर्ट के अंदर भी हमने हिफाजती ज़मानत जो है उसकी पिटीशन फाइल कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर अभी लग जाएगी, उसकी भी हियरिंग शुरू हो जाएगी। तो एक पूरी अदालती कार्रवाई चल रही है, और उस अदालती कार्रवाई के चलते हुए वैसे भी इतनी बर्बरियत, इतना तशद्दुद, इतना बाकायदा एक हमलावर होना पाकिस्तान के निहत्ते अवाम के ऊपर, उसकी जवाब ही कोई नहीं मानती। लेकिन ख़ास तौर पर दो चीज़ें जो हैं मैं उनकी निशानदेही करना चाहता हूँ। पहली तो ये कि ये सब हो किस केस के अंदर रहा है, ये कौन सा मुकदमा है जिसके ऊपर ये सारा तूफान खड़ा हुआ है, और हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार पहुँचे हुए हैं कि जी हमने कोई बहुत बड़ा कोई दहशतगर्द खुदा न खास्ता जिसको गिरफ्तार करना ज़रूरी है। ये है तोशाखाना का मुकदमा, वो तोशाखाना जिसकी हकीकत पहले से भी लोगों को पता थी, लेकिन पिछले 3-4 दिन के अंदर तो कट्टा छट्टा खुल के सामने आ गया है कि किस तरीके से वही तोशाखाना से यही पीडीएम की हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं, बाकी सरकारी लोग जो हैं, वो किस तरीके से तमाम अपने तहाइफ लेते रहे हैं, उससे बहुत कम कीमत पे लेते रहे हैं जिस पे इमरान खान ने ली, जितनी औसत जो है या जितना तनासुब से पैसा दिया गया किसी भी तहाइफ के लिए, किसी भी तोहफे के लिए, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा इमरान खान का। और जो पिछले गुजरे हैं उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं छोड़ी, जो कानून इजाज़त नहीं देता वो सब खुल के आ गया, सारे पाकिस्तान के पास, सारे मीडिया सोशल मीडिया पे वो चल चुका है। बड़ी बड़ी गाड़ियों से ले के महंगी तरीन गाड़ियों से ले के अनानास तक किसी ने नहीं छोड़े, और उस तोशाखाना के ऊपर कोई यकीन कर सकता है कोई पाकिस्तान में या कोई दुनिया में देखने वाला, क्योंकि दुनिया देख रही है कि ये किस किस्म का मुल्क है और कहाँ है इसका आइन और किधर है इसका कानून, कि इस मुल्क के अंदर कोई यकीन करेगा कि इस तोशाखाना की वजह से ये हो रहा है जो सख्त जमान पाक में पिछले हम 24 घंटे से देख रहे हैं, जो लोग जिस तरीके से ज़ख्मी किए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जिस तरीके से टियर गैस शेलिंग की जा रही है, क्या कोई पाकिस्तान में शख्स है जो मानने के लिए तैयार हो सकता है ये तोशाखाना की वजह से हो रहा है? वजह कुछ और है, अभी हम वजह पर भी आते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे कहा था, दो बातें मैं करूँगा, दूसरी चीज़ जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ये कौन सा दिन है जिस दिन ये हो रहा है? ये 15 मार्च का दिन है। 15 मार्च का दिन आज से 2 साल पहले अक्वामे मुत्तहिदा ने ऐलान किया, फैसला किया कि तमाम दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम दुश्मनी के खिलाफ दिन मनाया जाएगा। अक्वामे मुत्तहिदा की तरफ से फैसला किया गया, और जो दुनिया में होता रहा है कि बदकिस्मती से दीन के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन जो हैं वो फितना फैलाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में गलत गलत बातें करते थे, खाके बनाते थे, उनके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया को मुतहर्रिक किया जाए ताकि उनका हाथ रोका जाए ऐसी कुव्वतों का। और ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ उस आदमी की काविश पे जिसका नाम है इमरान खान, वो वज़ीरे आज़म पाकिस्तान था, उसने ये बेड़ा उठाया अपना, क्योंकि सच्चा आशिक़े रसूल है, उसने ये बेड़ा उठाया कि मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग लड़नी है, और अपना मुकदमा लेकर गया, पहले तमाम मुस्लिम ममालिक के अंत को साथ मिलाया, फिर अक्वामे मुत्तहिदा में गया और आखिरकार कामयाबी हासिल की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस जो जिहाद किया बाकायदा इमरान खान ने, उस जिहाद की कामयाबी की वजह से आज सारी दुनिया के अंदर इस्लाम दुश्मनी के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। और वो आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दीन का मुजाहिद जो है, इस वक्त उसका घर घिरा हुआ है,
वहाँ पर टियर गैस शेलिंग हो रही है, वहाँ पर लाठी चार्ज हो रहा है, वहाँ पर ऐसे हमला किया जा रहा है सिक्योरिटी एहलकारों का जैसे खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा दुश्मन यहाँ पे है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये महज इत्तफाक है या इसी बात की सजा दी जा रही है इमरान खान को कि उसने अपने रसूल का जिससे वो इश्क करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका मुकदमा क्यों लड़ा, क्या इस बात की उसको सजा दी जा रही है? और जो तमाम पाकिस्तान में सुनने वाले बल्कि दुनिया में सुनने वाले जो मुसलमान हैं, मैं आपसे भी सवाल करता हूं कि इमरान खान जिसने ये मुकदमा लड़ा क्या आप उसको अभी अकेला छोड़ेंगे? इंशाल्लाह ताला किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा और कौम साथ खड़ी है इमरान खान के साथ खड़ी रहेगी इंशाल्लाह ताला जो है अदालतें जो हैं वो भी इंसाफ की बुनियाद के ऊपर अपने फैसले सुनाएंगी इंशाल्लाह। मैं फिर मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर इस गैर कानूनी इस बर्बरियत पे मबनी ऑपरेशन को रोका जाए और पाकिस्तान के अवाम को निहत्ते अवाम को मुल्क से मोहब्बत करने वाले अवाम के ऊपर जो सारा तशद्दुद किया जा रहा है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम नहीं मानते। मैं ये आपने सुनी, हम इसको मजीद इंडोर्स करेंगे और मैं समझती हूँ कि ये हर शख्स का बुनियादी हक है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो लेकिन ये जो तशद्दुद पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं पुराने शहरियों के खिलाफ उनके राइट टू प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा है। सिर्फ ये नहीं बल्कि विक्टिमाइज किया जा रहा है क्रिमिनल्स केसेस बना के और वारंट इशू किए हुए हैं और यहाँ पे मेरी इत्तला के मुताबिक प्रोटेक्टिव बेल के लिए साहब ने मूव भी किया है, उसको एंटरटेन नहीं किया जाता सोफा पिटिशन को। और हमारे पीटीआई के लॉयर्स विंग के जो वकील हैं उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है जिसकी हम बहुत शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं।